और वहीं सोनीपत में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोटिंग जारी। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल ने मौजूदा स्थिति को लेकर जायजा लिया, सुनिए। आखिरकार 2 साल देरी से सही, लेकिन जिस दिन का इंतजार था वो दिन आखिरकार आ ही गया। आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव सोनीपत जिले में हो रहे हैं। सोनीपत जिले की अगर बात कर ली जाए तो 7,73,000 वोटर हैं जो आज जिला परिषद और जिला समिति जो ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं नजारा सोनीपत के गांव मुठल में बने गार्डो का दिखा दूं। यहां पर जो मतदान करने के लिए लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग मतदान करने के लिए एक भारी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। बात कर ली जाए पुरुष और महिलाओं में अलग अलग से उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस के इंतजामों की बात कर ली जाए तो पूरी सुरक्षा के बीच यह मतदान करवाया जा रहा है। कोई भी अति संवेदनशील की बात कर ली जाए तो 188 जो बूथ है अति संवेदनशील बनाए गए हैं, लेकिन जिस बूथ पर हमारी मौजूदगी उस बूथ पर कोई भी यहां पर शोर या कोई भी उत्पात नहीं है। सभी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर आ और जा रहे हैं। बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरकार वो वोट डाल रहे हैं तो किसको वोट डाली जा रही है और कैसा उम्मीदवार की बात चाहते हैं। इसके साथ साथ जो बाहर का नजारा भी दिखा दो जहाँ से लगातार वोट डालकर आ रहे हैं। बात करें जिस तक से वोट डालने के लिए आए और जिला परिषद कैसे उम्मीदवार पहली बार वोट डाले तो कहीं ना कहीं जो काम करे उसके लिए वोट डाली जा रही है। बात करें प्रयास वोट करें कैसा उम्मीदवार चाहिए बढ़िया जी। बात एक महिला से प्रयास करेंगे, साथ ही फायदे की धर्मपत्नी है, आप वोट डाल के आए थे उम्मीदवार कैसा हो आपके लिए? कहीं ना कहीं जो वोटर हैं उनमें एक उत्साह